नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट क्या होता है और फुल कोर्ट का डिमांड क्यों किया गया, आज हम इस पर बात करेंगे। शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मसला नहीं आता होगा, और इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के जो मुद्दे होते हैं वो ज्यादा जरूरी हो गए हैं, और सिविल सर्विस जैसी परीक्षा में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना हो गई है। फुल कोर्ट वह कोर्ट है जिसमें सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को सुलझाने के लिए जब डिस्प्यूट शुरू होती है तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जज एक साथ बैठते हैं, और बैठने के बाद ये तय करते हैं कि विवादित मुद्दों का निपटारा कैसे किया जाए। बहरहाल इस समय सर्वोच्च न्यायालय में कई ऐसे मुद्दे हैं जो विवादित हैं, चाहे वह जस्टिस जोसेफ का फाइल लौटाने का मामला हो, अयोध्या विवाद का हल निकालने का मामला हो, ट्रिपल तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला का मामला हो, या फिर ऐसे सार्वजनिक फैसले कि केस किसे दिया जाए, जब केस आवंटन होता है तो इसे किसे दिया जाए, क्या मास्टर ऑफ रोस्टर के सिद्धांत को बदला जाए, या बैठ करके कॉलेजियम तय करे कि केस किसे देना है। इन दिनों ये दो मुद्दे बहुत चल रहे हैं। कॉलेजियम में 4 न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश भी उसमें होते हैं। कॉलेजियम सिफारिश करती है कि किस जज की फाइल को कैबिनेट को भेजा जाए ताकि उस पर सुप्रीम कोर्ट में आने की मुहर लगे। उसी प्रकार से कॉलेजियम यह भी तय करती है कि किस राज्य में हाईकोर्ट के जज के पद पर किसे नियुक्त किया जाए। यहां पर हम यह भी बताएंगे कि बिमला सिंह कपूर पहली एसटी महिला होगी जिन्हें हाईकोर्ट में जस्टिस के पद पर बिठाया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट की नई जो एक जज की नियुक्ति हुई है छत्तीसगढ़ में, उसमें बिमला सिंह कपूर का नाम आया है। सरकार ने SC/ST कैटेगरी से इसे आगे किया है, कॉलेजियम ने सिफारिश को मान लिया है। वहीं दूसरी ओर ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इस समय सर्वोच्च न्यायालय में चर्चा का विषय बन जाते हैं। चर्चा का विषय इस लिहाज से क्योंकि आज इस मुद्दे पर रोज बहस होती है कि सर्वोच्च न्यायालय में फाइल डिक्लेयर कौन करेगा और किसके पास जाएगा। हाल के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जनहित याचिका को भी एक वीपिन की तरह, एक हथियार की तरह यूज नहीं करना चाहिए। जुडिशरी के मुद्दे पर बार बार एक डिबेट करवाना, मीडिया ट्रायल करवा देना, यह भी उचित नहीं है। लेकिन इन दिनों जब से जस्टिस चेलेमेश्वर और उनके सहयोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद से ही लगातार सुप्रीम कोर्ट में कामकाज को लेकर अब पब्लिक में बातचीत शुरू हो गई है। हमने पहले भी वीडियो भेजा था जिसमें हमने बताया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता देश में सर्वोपरि है, यह बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है और इस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, ना ही इसे वायलेशन करने की आवश्यकता भारत में है। लेकिन राजनीति है तो सारे मुद्दे सामने आ जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि केस का आवंटन कौन करे। मुख्य न्यायाधीश के पास अधिकार दिया गया है कि किस केस को किसके पास भेजना है, ये वो तय करेंगे। इसी प्रकार से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी अधिकार है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी यह तय होता है। अगर यह मुद्दा अगर आज सुप्रीम कोर्ट में उठा है तो क्या यह मान लिया जाए कि आने वाले समय में यह मुद्दा हाईकोर्ट में भी उठेगा, सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उठेगा, जो किसी भी लिहाज से भारत जैसे डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं होगा, एक बड़ा प्रश्न है। साथ में आज हम ये बताएंगे कि क्या कॉलेजियम को दिया जाए। देखिए, कॉलेजियम को अगर ये मुद्दा दिया जाता है तो इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। कॉलेजियम में अगर 5 व्यक्ति हैं, 5 जस्टिस हैं, तो किस एक कैटेगरी के मुद्दे को किस जज को दिया जाए। अगर ये सारी तहकीकात जो है वो कॉलेजियम करेगी तो फिर सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, क्या उनके बीच और कॉलेजियम के बीच कोई टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी।
ये बहुत दुविधा है। देखिए भारत में जब कोई चीजें चलती हैं तो उसमें तरह तरह की बातें सामने आती है, ओपन मीडिया पर ट्रायल शुरू हो जाता है, बहस होता है, और इसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर निश्चित रूप से न्यायपालिका पर रहता ही होगा। लेकिन जहां अमेरिका से जब भारत में न्यायिक प्रक्रिया को लिया गया था, उस समय यह तय किया गया था कि भारत में कम से कम इन चीजों को नहीं होने दिया जाएगा कि न्यायपालिका पर किसी प्रकार की हस्तक्षेप की जाए। अमेरिका की न्यायपालिका इस मायने में ज्यादा स्वतंत्र है कि वहां पर विज्ञापन दिखाने वाली कंपनी भी अगर गलत प्रचार कर दे तो उसे बड़ी मोटी राशि जुर्माना के तौर पर जमा करनी पड़ती है। क्या भारत में यह संभव होगा? यह बड़ा सवाल। साथ ही साथ ये भी सोचने की जरूरत है कि भारत जिस प्रकार से विकास के क्षेत्र में आया है, एग्रीकल्चर से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर सीधा सर्विस सेक्टर में शिफ्ट किए हैं, तो कि चूंकि भारत डेवलप की कैटेगरी में आना चाहता है, यूनाइटेड नेशन का डिफिनेशन है कि जिस देश के ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में काम करेंगे वो विकसित हो जाएगा, नहीं तो फिर सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत की पर कैपिटा इनकम इतना अधिक होने के बाद भी वो विकासशील ही कहे जाते हैं, क्योंकि अभी भी उस देश में माइनिंग मुख्य इकोनॉमी और वो प्राइमरी सेक्टर है, यानी को सर्विस सेक्टर तो है नहीं। तो चलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट पर बात कर रहे हैं, और भारत के सुप्रीम कोर्ट इस समय इस लिहाज से थोड़ी संशय स्थिति में है कि उसके बारे में सोशल मीडिया भी बात कर रही है, यानी कि भारत का 100 करोड़ वाला आबादी से अधिक मुल्क आज उस सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर दे रहा है जिसने भारत के डेमोक्रेसी में कई अहम फैसले लिए। आपको याद होगा 1973 का वो मामला, 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट की ताकत बहुत ज्यादा है, असीमित है, संप्रभुता सॉवरेनिटी पार्लियामेंट के साथ है, लेकिन मूलभूत ढांचे नाम का भी कोई चीज होता है, यानी कि संविधान को नष्ट नहीं कर सकते हैं। संविधान जिस मौलिक बुनियाद पर खड़ा है, बिल्डिंग जिस मौलिक बुनियाद पर खड़ी होती है, जिस पिलर पर खड़ी होती है, उसे नष्ट करना उचित नहीं होगा। यानी कि कोई भी कानून आप बनाइए, कभी भी बनाइए, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट मत कीजिए। और आज के फैसले को देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने पहले नेचुरल जस्टिस की कल्पना किया कि भूख से लोग मर रहे हैं तो उसे खाना दीजिए। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अच्छाई नहीं है? क्योंकि ऐसे एक अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और सुप्रीम कोर्ट की चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सॉल्व हो तो सबसे बड़ी ये और सबसे अच्छी बात होगी। हम आपको ये भी बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम को अगर केस आवंटन दिया जाएगा तो ये मुश्किल होगा और आने वाले समय में दिक्कत भी पैदा होगा। फुल कोर्ट की बात की जा रही है, फुल कोर्ट में अगर सब कुछ डिस्कस हो तो फिर ये चीजें पब्लिक के पास आएंगी और पब्लिक की राय शुमारी भी जरूरी हो जाएगी आने वाले वक्त में। अभी तो लोगों को नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये मुश्किल खड़ा कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, एक वर्ग खड़ा होगा, पिटीशन फाइल होंगे, जज एक साइड से बयान देंगे, दूसरे जज दूसरे साइड से देंगे। डेमोक्रेसी में इस प्रकार की चीजें कितना कारगर होगी, ये जो नई पूरी स्ट्रक्चर बनी है ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन सही मायने में सोची जाए तो फुल कोर्ट की आज जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सभी जस्टिस सीनियर मोस्ट है, काफी अनुभवी हैं, और उनके ऊपर ये छोड़ देनी चाहिए, मीडिया में चीजें नहीं आनी चाहिए। और अब राजनेता की जैसा अगर सुप्रीम कोर्ट हर चीजों पर आकर के बयान दे, वहां के प्रवक्ता एक डिपूट हो जाए, तो आप जरा सोचिए आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट बनाम पार्लियामेंट बनाम एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका के बीच की जो कड़ी है ये टूटेगी और ये हार्मफुल होगा, क्योंकि उसके बाद सुप्रीमेसी की लड़ाई होगी, कौन बड़ा तबका होगा, जुडिशरी ज्यादा ताकतवर होगा
कार्यपालिका होगा या फिर विधायिका होगी। और यही कारण है कि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सोच समझकर कार्य कर रही है। सारे मुद्दे अहम होते हैं। देखिए आपको ये समझना है कि अगर मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं तो साधारण मुद्दे नहीं होंगे, संवैधानिक मुद्दा ही होगा। ताजमहल से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, राम मंदिर विवाद हो कि इस पर जजमेंट में देरी दिया जाए, ये जमीन का मामला है, संविधान की व्याख्या का मामला है या फिर कुछ और मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी जो बहस हुई उस पर इन्हीं चीजों पर चर्चा किया गया कि राम मंदिर का जो मामला है जिसको दायर किया था याचिका गोपाल सिंह ने और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश का, वो बार बार मिसाल देता रहा कि इसमें संवैधानिक पीठ की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए, जैसे कि ट्रिपल तलाक पर और जो बहुविवाह पर किया जा चुका है। और उधर से गोपाल सिंह और हिंदू संघ का कहना है कि ये जो है जमीन का मामला है और जमीन सिविल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आता है, इसमें संवैधानिक पीठ की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार बहस पब्लिक में हो गई। अब देखिए यहां पर ही मुश्किल चुनौती होती है कि छोटी सी मुद्दा जब वकालत के नियमों के मुताबिक जब पब्लिक के बीच जाती है, सोशल मीडिया में वो मैसेज घूमती रहती है तो लोगों का ब्रेन वॉश होता है और लोगों को जो चीजें पढ़वाया जाता है सोशल मीडिया में वही सही लगने लगता है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके परे हो तो निश्चित रूप से लोगों को लगता है कि गलत हो गया। यहां पर एक सुधार की जरूरत होगी आने वाले समय में। फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल ने भारत सरकार से करार किया, ऐप भी उन्होंने बना दिया है कि ऐसी चीजों को अब वो ज्यादा दिनों तक चलने नहीं देंगे और वो सत्यता की जांच करने के बाद ही इन चीजों को वो लागू करेंगे। बहरहाल फुल कोर्ट बेंच पर हम बात कर रहे थे और साथ में बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी जो उसके पास ताकत है क्या कहीं ना कहीं इस टकराव में कमजोर हो रही है। हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिएगा, सारी सटीक विश्लेषण आपको घर बैठे हुए मिलेगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।